छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोंडागांव जिले की जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग ने राष्ट्रीय जूनियर शालेय जूडो प्रतियोगिता जालंधर पंजाब में कांस्य पदक अर्जित कर राज्य को एवं अपने जिले को गौरवान्वित किया है। हेमवती राज्य की उदयमान जूडो खिलाड़ी है। इन्होंने अनेक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अपने नाम किया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय वुमेन्स लीग में भी पदक प्राप्त कर नगद इनाम जीत चुकी है। हेमवती की इस उपलब्धि पर प्रदेश जूडो संघ के पदाधिकारियों ने बधाइयां और शुभकामनाएं दी है। साथ ही 3 वर्ष पूर्व आईटीबीपी के जवानों द्वारा कोंडागांव क्षेत्र में जूडो खेल के प्रशिक्षण की शुरुआत करने के लिए आईटीबीपी को भी प्रदेश जूडो संघ के अध्यक्ष अरुण द्विवेदी ने हृदय से आभार जताया है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग 67वीं साले जूडो प्रतियोगिता जो कि पंजाब के जालंधर शहर में 6 जनवरी से आयोजित हो रही है, जिसका आज समापन है, उसमें अपने वजन वर्ग में कांस्य पदक अर्जित कर गौरवान्वित होने का मौका प्रदान किया। मैं कोंडागांव जिले के उनके प्रशिक्षक जयप्रकाश यादव, उदय एवं अन्य को बधाई तो देना ही चाहता हूँ, उसके साथ साथ मैं आईटीबीपी के अधिकारियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 3 वर्ष पूर्व जो जूडो खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था कोंडागांव जिले में की थी, जिसके परिणाम स्वरूप सिर्फ हेमवती ही नहीं अनेक जूडो खिलाड़ी कोंडागांव से दिनों दिन अच्छा प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, हमारे राज्य के लिए बड़े गौरव की बात है। प्रदेश संघ की तरफ से मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग द्वारा भेजी गई टीम में हेमवती नाग ने भाग लिया एवं उसने कांस्य पदक अर्जित किया है। प्रदेश संघ के समस्त जूडोकाओं की तरफ से मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।